जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है उसके कई पार्ट हैं। जैसे पहला पार्ट है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म्ड। दूसरा पार्ट है बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मच मस्ट बी परफॉर्म्ड। तीसरा पार्ट है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। चौथा पार्ट है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉमिस, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। और आखिरी पार्ट है छठा पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म। तो ये 6 पार्ट हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है वो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म्ड। ये स्टार्ट होता है सेक्शन 37 से और एंड होता है सेक्शन 39 पे। तो सेक्शन 37 क्या कहता है? सेक्शन 37 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज होंगी उनको अपने प्रॉमिसेस, अपने वचनों का पालन करना होगा या उनके पालन करने का ऑफर करना होगा। या तो उनको अपने वचनों का पालन करना होगा या तो उन वचन के पालन करने का ऑफर करना होगा अपने अपने वचनों का। जब तक कि कोई नियम या कानून ऐसा ना कह दे कि आप पालन ऐसा ना ऐसा कह दे कि आप पालन नहीं करेंगे तब भी चलेगा। या दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं उनके पालन न करने को माफ कर दे। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज होंगी वो अपने अपने प्रॉमिस को पालन, उन्हें अपने अपने प्रॉमिसेस का पालन करना होगा या उनके पालन करने का ऑफर करना होगा, तब तक जब तक कि कोई नियम या कानून ये न कह दे कि आप पालन नहीं करेंगे तब भी चलेगा, या आप पालन नहीं, आपके पालन न करने को वो कानून माफ न कर दे। वो कानून या तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हो या किसी और लॉ से हो। जैसे कि इसके आगे बढ़ते हैं, किसी भी प्रोमिसर के मरने के बाद उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वह वो काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब तक कि कोई प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो, यहाँ पे सोचने की बात है, प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे ए ने बी से कहा कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ और मैं आपकी अच्छी खासी पेंटिंग बना सकता हूँ। बी ने कहा ठीक है। तो हुआ क्या, जिस दिन पेंटिंग बनानी थी उसी दिन ए मर जाता है। तो ए का एक रिप्रेजेंटेटिव है सी। अब सी जो है बी की पेंटिंग कैसे बना देगा? जरूरी थोड़ी है कि वो भी एक ही तरह ही अच्छा पेंटर हो, और ज़रूरी तो ये भी नहीं है कि वो पेंटर हो, ये भी तो हो सकता है उसे पेंटिंग आती ही ना हो, कुछ न जाने। तो ऐसे में रिप्रेजेंटेटिव बाध्य नहीं हुआ। तो यहाँ पे कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर हो गए। तो ये था सेक्शन नंबर 37। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 38 पे। सेक्शन 38 कहता है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब 37 में परफॉर्मेंस का ऑफर किया गया, ठीक। अब उसका क्या इफेक्ट होगा अगर वो ऑफर रिफ्यूज कर दिया गया, इनकार कर दिया गया? देखो, व्हेन अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस एंड
देयर बाय लूजेज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। सीधी सी बात है, एक प्रोमिसर है जो कि परफॉर्मेंस को ऑफर मेड करता है प्रोमिसी के लिए, मतलब ऑफर का परफॉर्मेंस को ऑफर देता है प्रोमिसी को। एक प्रोमिसर है जो परफॉर्मेंस को ऑफर देता है प्रोमिसी को कि आप ये परफॉर्म करो, और होता क्या है ये जो एंड द ऑफर हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड, और जो प्रोमिसी है वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता है। ऑफर और परफॉर्मेंस को जो प्रोमिसर देता है वो प्रोमिसी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो प्रोमिसर होगा वो नॉन परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोमिस एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, तो जो ऑफर दिया है वो अगर परफॉर्मेंस नहीं करेगा, मतलब परफॉर्मेंस ना करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और वह अपने अधिकार भी गवा देगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। प्रोमिसर अपने अधिकार भी गवा देगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। एक बार इंग्लिश में बेयर एक्ट इसका पढ़ते हैं। वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस एंड देयर बाई लूजेज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, एवरी सच ऑफर मस्ट बी फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। वो जो ऑफर परफॉर्मेंस देगा वो इन कंडीशनों को फुलफिल कर देना चाहिए, उसे मस्ट है इन कंडीशनों को फुलफिल करना। पहला ये है, ये जो ऑफर होगा वो अनकंडीशनल होगा, कोई उसमें शर्त नहीं लगी होगी, स्पष्ट होगा बिना शर्त का, अनकंडीशनल। दूसरा कहता है, इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस। प्रॉपर टाइम में ये ऑफर और परफॉर्मेंस होगा और प्रॉपर प्लेस पे होगा, और द पर्सन टू होम ऑफर इज मेड मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्फेक्शन ऑफ गुड्स ऑन आर्टिकल्स। जिसको ये ऑफर दिया गया है उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो गुड्स का या आर्टिकल्स का इंस्पेक्शन कर ले। ठीक, ये जो और वो ये है कि जो ऑफर होगा वो संपूर्ण होगा, होल होगा, पार्ट में नहीं होगा, एक ऑफर दिया जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में ऑफर नहीं दिया जाएगा। ठीक, प्रॉपर फॉर्म में ऑफर दिया जाएगा, उसका फॉर्म प्रॉपर होगा, और प्रॉपर पर्सन से आपको ऑफर दिया जाएगा। ठीक है, ऑफर फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी फॉर द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि ऑफर ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स की डिलीवरी का ऑफर और गुड्स की डिलीवरी की क्वांटिटी या क्वालिटी वही होनी चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट में तय की गई है। और एक ऑफर जो होगा जो कि मेड मेड बाय वन ऑफ द सेवरल जॉइंट प्रॉमिसेस, मतलब कि कई जॉइंट प्रॉमिसेस में से किसी एक द्वारा कोई ऑफर मेड किया गया, ऑफर मतलब किया मेड नहीं किया गया, मतलब जॉइंट प्रॉमिसी में से मान लीजिए कोई बंदा ऑफर कोई एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके जो लीगल परिणाम होंगे वो सभी प्रॉमिसी पे अप्लाई होंगे, जॉइंट सभी जॉइंट प्रॉमिसी पे अप्लाई होंगे। ऐसा नहीं है जो एक्सेप्ट किया है उसी पे, क्योंकि वो सब जॉइंट प्रॉमिसी हैं,
तो उसके जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो सब पे लागू होंगे। तो ये बेसिकली कहता है सेक्शन 38। ठीक, अब आ जाते हैं सेक्शन 39 पे। देखो सेक्शन 39 कहता है, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसएबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द परफॉर्मिंग, ठीक, हिज प्रॉमिस इन दी इंटायरली द प्रोमिस मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ही हैज असाइंड बाय द वर्ड्स ऑफ कंडक्ट हिज एक्विसेंस इन इट्स कंटिन्यूएंस। थोड़ा टिपिकल है बेयर, इजी लैंग्वेज समझते हैं। देखो जब किसी कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी ने अपने वचन का पालन करने से इनकार कर दिया या इनकार कर देता है या अपने आप को उस वचन के पालन करने के लिए निर्योग्य बना लेता है, तब प्रॉमिसी कॉन्ट्रैक्ट इंड कर सकता है, खत्म कर सकता है। अगर अपने शब्दों के द्वारा या आचरण के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने की अनुमति न दी हो तो, और अगर वो अपने शब्दों या आचरण के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने की अनुमति दे देता है तो वो इसको अंत नहीं कर सकता। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम ए बी से कहता है कि यार हफ्ते भर के लिए तुम मेरे स्टेज पे गाना गाओगे, हर दिन का हम तुम्हें 100 रुपये देंगे। इस हिसाब से हफ्ते में 700 रुपये हो गए हैं। ठीक, वो 5-6 दिन आता है, 5 दिन आता है, छठे दिन कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, तो फिर हो जाता है ए, और उसको आगे बढ़ाने की अनुमति किसी तरह, मतलब वो कन्विंस कर लेता है कि हाँ तुम छठे दिन भी आओगे। तो यहाँ कन्विंस कर लिया तो उसको संविदा का अंत नहीं कर सकता हो। अगर वो कन्विंस नहीं करता है तो उसी वक्त अंत कर देगा और वो अंत लीगल होगा, क्योंकि 5वें के बाद 6ठे 7वें दिन वो आने से मना कर देता है। तो यहाँ पे एक संविदा वो ए भंग करेगा, लेकिन वो संविदा ब्रीच करेगा और वो लीगल हो जाएगी, मतलब उसको राइट है उसको ब्रीच करने का। तो ये कहता है सेक्शन 39। तो ये हो गया ये पार्ट। अब जो